नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम करने वाले हैं किक की प्रॉब्लम का सलूशन। एक्चुअल में पुराने मॉडल की जो गाड़ी है उसके अंदर किक की प्रॉब्लम आती है, किस टाइप से जरा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी देखिए इसमें किक मारेंगे और किक बिल्कुल फ्री जा रही है। देखिए तो ऐसे में हुआ क्या होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए, तो ये पुराने मॉडल के अंदर प्रॉब्लम है, नए मॉडल में भी आ जाती है। तो पहले मैं इसको खोलता हूँ, फिर बात करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें कितना खर्चा आएगा और क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले किक खोल लेते हैं, और किक खोलने के लिए पूरा बोल्ट बाहर नहीं निकालना पड़ता है, फिर इस बोल्ट को ढीला कर देना है। इस तरीके से बोल्ट अगर ढीला कर देंगे आप, और किक हमारी बाहर निकल जाएगी। तो ये तो आ गई किक हमारी बाहर। इसका गेयर लीवर को ढीला करना है, इसको भी दो तीन चूड़ी तो कैसे ढीली कर दें। तो इसके बाद इसको भी बाहर निकाल दें। तो ये तो दो चीज़ें बाहर आ गई। इसके बाद रहा न्यूट्रल लीवर, और ये 18 नंबर के नट बोल्ट होता है, इसके अंदर चाबी से खुल जाएगा इस तरह। इसको पूरा इस तरह संभाल के रखें ऐसे कि बाद में फिट करते समय परेशानी ना हो। अब इसके बाद कौन कौन से पेच खोलने हैं, एक वैसे तो काफ़ी हैं, आप एक दो तीन चार और ये पांच पेच खोल लें। यहाँ से हमारी क्लच की वायर भी चेंज कर दी जाती है, इसको बोलते हैं टिकली बोलते हैं। और इसके बाद रहे ये वाले पेच, छोटा पेच, दो छोटे और दो बड़े, याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद कवर को इस तरह से बाहर निकालें, और यहाँ पर होती है क्लच की वायर अटकी, और इसको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके, मतलब इस खांचे में से बाहर निकालना होता है। वो आप खुद ही ट्राई करेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। अब इसके बाद अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कैसे करना है। सबसे पहले ये दो बोल्ट खोल लें, एक नट ये रहा और दूसरा नट ये रहा। इसके अंदर 10 और 11 दोनों थे, वैसे ही दोनों 11 नंबर के होते हैं। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से पूरा कंप्लीट निकाल लिया। इसके बाद इसको निकाला। अब इसके बाद खोलने हैं हमें ये वाले दो बोल्ट 11 नंबर के, एक 13 नंबर, दो 11। तो इसको खोलते हैं। कल शर्मा जी हल्द्वानी गए हैं, कल आ जाएंगे, आज शाम को रात तक पहुंचेंगे, मतलब तब कल हो गए, क्योंकि अभी मेरे पास ये दो गाड़ियां पड़ी हैं, इनको निपटाना है। शाम तक ही नहीं आएगा तुम्हें? फिर मजा नहीं आता ना जल्दीबाजी वाले काम में। अब ये जो है हमारा किक का स्प्रिंग है, अब इसके बाद खोलना है हमें ये 21 नंबर का नट, और गेयरबॉक्स के अंदर सिर्फ एक यहीं पे एक उल्टी चूड़ का नट होता है, एक टाइमिंग गियर में होता है, गाड़ी में दो जगह उल्टी चूड़ के नट होते हैं। तो इसको खोल लेते हैं एक बार,
लॉक लगा है शायद कोई, मैंने पेचकस मार के पहले से इसको खराब किया है। ये रहा नट और ये इसकी वॉशर। अब इसके बाद आती है बात आगे को गियर डॉक की। इसका सिर्फ नट ही नट खोलना है, पूरा गियर डॉक बाहर नहीं निकालना है, वरना गियर बॉक्स की थोड़ी सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अगला। तो इसके अंदर नट और वॉशर मिलेगी, उसको भी रख देते हैं। अब इसके बाद है अंदर कितने बोल्ट खोलने पड़ते हैं, क्लच वायर को थोड़ा पीछे निकाल देते हैं। अब 1, 2, 3, 4 और 5 अंदर रहेंगे। पहला ये रहा यहाँ पे, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। और आखिरी पांचवा ये रहा। दो, तीन, चार और ये पांच। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा गियर बॉक्स बाहर को। अभी बैरिंग के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा टाइट है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं एक छोटा सा बोल्ट यहाँ लगा के चोट मारेंगे तो बाहर निकल जाएगा, या फिर इसका पूलर आपके पास होगा तो पूलर लगा सकते हैं, वरना जो तरीका मैं दिखाऊंगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको इस तरीके का एक बोल्ट लेना है और उसको इसके अंदर डालना है और हल्का सा बाहर को खींच के रखना है और हल्के हल्के इसके ऊपर चोट मारनी है, ज़्यादा जोर से नहीं, सिर्फ हल्के हल्के। तो ये तरीका वो दिखाया जिसके पास टूल नहीं होते हैं, उसको कैसे बाहर करना है। और ये हमारा गियर बॉक्स बाहर आ गया है। वापस अंदर कर देते हैं क्योंकि अंदर हमारा कुछ काम है नहीं। अब काम है हमारा इसके अंदर, क्योंकि हमारी गाड़ी की किक फ्री थी तो इसको बाहर निकालते हैं। और ये रहा हमारा डॉग, ऐसे घुमाइए। अब ये डॉग हमारा थोड़ा यहाँ से कट गया, एक बार मैं इसको धो के साफ करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ख़राब है। अब ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट, ये कट रखा है और जो किक काम नहीं कर रही थी वो मैं बताता हूँ। ये जाता है इसके अंदर और ये इस तरीके से ऊपर को खिंचा होना चाहिए, और देखिए बीच में गैप दिख रहा है ना। अब उसके लिए इसके अंदर पड़ा होता है एक स्प्रिंग, उसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। ये हो गया इसके अंदर जाम। देखिए एक रहा ये नॉब और इसका स्प्रिंग और ये रहा इसका स्प्रिंग। अब ये थोड़ा कट गया है
उसके साथ साथ इसके अंदर जाम हो रहा है, फंस जा रहा है इस होल के अंदर। तो ये डॉग जो है हमारा, ये पुराना है और ये डॉग है हमारा नया। तो इसमें जो कटने वाला आइटम है यहाँ पे, अगर दोनों के बीच में आप देखेंगे तो गैप नज़र आएगा, तो ये कट रखा है, ठीक है। और दूसरा हुआ क्या था कि इसके अंदर बाबरी आ गई थी, मतलब स्पॉट आ गए थे, तो इसको हमने घिस के ग्राइंडर करके नया कर दिया है। और ये नया फिलहाल मिला नहीं, इसको फिलहाल नया बना दिया ही है। तो इसको अंदर डालते हैं और इसमें देखिए जो एक हिस्सा टेपर वाला है और एक प्लेन है। परसों तो इसको इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद इस डॉग को इसके अंदर यहाँ लॉक में फंसा के ये, और अब देखिए बिल्कुल ऊपर की साइड में उठ चुका है, अच्छे से काम करेगा। अब हम फिट कर लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा टूल ले लें, और अब ये बिल्कुल काम करेगा। तो एक बार ग्रीस जरूर लगा लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि ग्रीस रहेगा तो जल्दी कटेगा नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद इसको फिट कर लेते हैं। अब इसको फिट करना सिंपल है, इसके अंदर डालना है, ऊपर वाले को बैरिंग के अंदर डालना है, और ये चीज़ है इसके अंदर लगानी है। दो हल्के से बड़े पेच नीचे की साइड में, उसके बाद दो पेच यहाँ पर, एक पेच यहाँ पर, उसको कर देना है। एक्चुअल में लोग गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं, या कुछ लोगों को नॉलेज कम है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको इवन थोड़ा बहुत तो पता चलेगा इस वीडियो से। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ सीखने के लिए है इसमें तो लाइक कर दीजिए। और भी काफ़ी सारे वीडियो हैं जो नॉलेज और ज्ञान के सागर के हैं, तो ज्ञान पाना चाहते हैं तो पक्का देखिए, ज्ञान मिलेगा बिल्कुल। अब ये सही करते हैं। इसके बाद करना है हमें ये वाला 21 नंबर का बोल्ट, ये उसकी वॉशर, और ये नट, और नट कौन सा था, उल्टी चौड़ी का। इसकी क्लच रोड ग्रीस लगा के अंदर डाल देते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर का कवर, ग्यारह नंबर का बोल्ट, उसके बाद किक का स्प्रिंग। यहाँ पे एक खांचा दिया गया होता है, वो आप खुद देख लेंगे, उसको फंसाया इसके अंदर, उसके बाद बोल्ट को इस तरीके से फंसा के सिंपल से लगा रहे हैं। इसके बाद गेट ऑफ की वॉशर और उसका नट, मतलब जिस तरीके से खोला है सिंपल उस तरीके से फिट कर दें।
हो गया। इसके बाद हमारा गियर लीवर का, फिर उसके बाद गियर चेंजर, इसके बाद इसके नट, कलच वायर अंदर को वापस डाल देनी है। और जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से इसको भी फिट कर देना है। दो बड़े पेच ऊपर की साइड में, छोटे पेच नीचे की साइड में, और एक टिकली। एकदम पूरे बोल्ट टाइट लग रहे हैं, हल्के हल्के सारे चढ़ा दें जिससे कि बिल्कुल बराबर बैठेगा। अब टाइट कर दें अच्छे से। थोड़ा सा साफ कर दें क्योंकि साफ सफाई जरूरी है। उसके बाद नटल लीवर, अट्ठारह की चाबी या पाना है, वैसा हाथ से भी टाइट कर सकते हैं, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना होता है। उसके बाद गियर लीवर को लगाना है और गियर लीवर को फिट करना है इसके हिसाब से यहाँ पर। और उसके बाद इसको टाइट कर देते हैं दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा ढीला कर रहा है। और किक लगानी है, किक को लगाना है इस वाले बोल्ट के हिसाब से, उंगली लगानी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर ठोक देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट बाहर निकला था। टाइट कर देते हैं, एक बोल्ट रह गया यार नहीं का। ये वाला बोल्ट जो रहा है जब हमने गियरबॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं तो एक बोल्ट लगा के मैंने चोट मारने के लिए बोला। अच्छा ठीक है, तो ये वो बोल्ट है। अब ये किक टाइट हो गई, अब देखते हैं कि किक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो बिल्कुल किक काम कर रही है, गाड़ी किक से स्टार्ट हो रही है। तो यही एक सिंपल था कि आप लोगों का भी किक डॉग डालना है तो ऐसे कैसे डाल सकते हैं, कितना खर्चा आता है। ये 80 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। और तो बाकी डालने का चार्ज है, डालने के लिए आपको 150-200 जो मर्जी चार्ज कहीं से हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।